समुंदर और आपके बीच का रास्ता माँ और बेटी की तरह है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। मानता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ना है, लेकिन ज़्यादा मछली पकड़ना हानिकारक हो सकता है। पर्यावरण की भलाई उसी में है कि आप जरूरत के हिसाब से मछली पकड़ें। समुंदर में जाने से पहले आपस में एक बार चर्चा जरूर कीजिए कि आपको कितनी मछली पकड़नी है। मैं ही मेलेडियस पांडे का भाई हूँ, कल आपके साथ मछली पकड़ने में भी आऊँगा, आप जा सकते हो। तो क्या मैं तेरी देशभक्ति करूं? पार्क को लेके मेरा भाई का दिमाग तेरे पे सटका हुआ है। तेरी छटके, तेरे भाई की छटके या किसी और की, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। अगर सोच कुदरत की सटक गई तो तेरा क्या हो? मुझे आइडिया नहीं, भाई को पता चलेगा तो क्या होगा, तेरे टुकड़े करके समुंदर में फेंक देगा। यार मैं तुझे कैसे समझाऊं? मेरे भाई, ये आकाश, ये धरती, ये समुंदर, उसके गुस्से के आगे कोई नहीं। भाई का गुस्सा अभी मैं तेरे को बताऊंगा। कुदरत क्या करेगी बोल, हो जाए दो दो हाथ, जो जीता उसी का पार्क, क्या बोलता है तू? नहीं समझेगा। पूरा सीन दिखाने से पहले तेरे को थोड़ा सा सैंपल दिखाना चाहता हूँ, प्रॉमिस, थोड़ा सा सैंपल। भूकंप, भूकंप के बारे में तुम जानते ही होगे। ये था मेरा छोटा सा सैंपल, अब तेरे को दिखाऊंगा पूरा सीन। बस ये तो मेरा बवंडर, सुन बम। और एक और खतरनाक चीज है, सुनामी। ऊपर उठती जाती है, अब मैं तुझे उठाने की कोशिश करता हूं। मैं भाई को जाके बता दूंगा तुमसे लेने का नतीजा क्या होता है। मुझसे नहीं दोस्त, कुदरत से।